अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मुस्लिम माशरे को लेकर एक मशहूर कहावत है, इस कौम के चार लोग एक ही सिमत में एक साथ तब चलते हैं जब इनके कंधे पर कोई पांचवा हो। लिहाजा इस कौमी मसले पर बार बार बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हालात बहुत नाजुक होते जा रहे हैं। एनक्रोचमेंट के बहाने पूरी रियासत में घरों को बुलडोजर से गिराने की मुहिम कारपोरेशन और शहर तरक्याती महकमा की जानिब से किया जा रहा है। बेलगाम में भी इस काम को अंजाम देना शुरू किया गया। रामतीर्थ नगर और दीगर जगहों पर भी इस तरह की नोटिस यानी कि उन्हें इत्तला देने की बात बताई जा रही है। सिर्फ एक मसला नहीं है, जितने भी रोजमर्रा के कामों में अगर कोई बिखरी हुई और मुंतशिर कौम है तो वह है कौम मुस्लिम। लिहाजा अगर किसी का घर गिरता है तो गिरने दो, कोई मर रहा है तो भी। आपको ताज्जुब होगा जिस तरह लोग मरने के बाद जनाजे में शरीक होते थे इससे पहले, अब अगर आप 20 साल पहले 15 साल पहले देखते थे, लेकिन अब जनाजे में शरीक होने में भी लोग कायली और बेजारी देखी जा रही है। खैर, आज एक और बात पर तस्करा जरूरी है, वो है नौजवानों में किस तरह दीनी बेदारी के साथ सियासी बेदारी लाना जरूरी है। वैसे अब सियासी तौर पर मुसलमानों का खेल तकरीबन खत्म हो चुका है। जिस किसी पार्टी पर आप भरोसा रखेंगे वो पार्टी अगले ही लम्हे हिंदुत्ववादी बनकर मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी देने से नहीं चुकते। अब सियासी पार्टियों में हिंदुत्ववादी बनने के मुकाबले लगे हुए, केजरीवाल का ही ले लो, ऐसा लग रहा था कि सिर्फ डेवलपमेंट पर वोट मांगने वाली अगर कोई पार्टी है तो केजरीवाल की है। पर अब केजरीवाल ने भी हिंदुत्व सोचो फिक्र के मैदान में छलांग लगाते हुए नोटों पर देवी देवताओं की तस्वीर को लगाने की मांग की है। 2024 के चुनाव की मनसूबाबंदी भाजपा करने में लगी हुई है और इसके पास तो हिंदुत्व की ठेकेदारी है। मुसलमानों के हक में कोई भी कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे और मुसलमान है कि आज भी सियासी पार्टियों में अपना वजूद तलाशने की कोशिश कर रहे। डर, खौफ और लालच ने तो मुसलमानों के मजबूत इदारों तंजीमों को खत्म कर दिया है। मुसलमानों के दरमियान खबरियों का जाल बहुत ही वसी पैमाने पर फैला हुआ है। मैं चार लोगों में चर्चा भी किसी मौजू पर होती है तो इसकी खबर इंतजामिया को हो ही जाती है। जमियत उलमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम मुत्तहिदा माज और भी दीगर मुल्की सतह पर जितनी भी तंजीमें हैं आपसे इख्तलाफात के नजर होते जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि इन मुल्की सतह पर जो तंजीमें अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं दे रही थी, इनमें खबरी और हुकूमत के एजेंट घुसे बैठे हैं। गैबी ताकतों के हाथों का दखल बहुत हद तक बढ़ चुका है जिसके नतीजे में इतने बड़े मसाइल इस कौम को लेकर खड़े होने के बावजूद भी खामोश हैं या तो फिर किसी फैसले पर अख्तलाफात देखे जा रहे हैं। और ये मेरा कहना नहीं है बल्कि खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के डॉक्टर तस्लीम रहमानी ने इंटरव्यू के दौरान बताया। मुल्क की बड़ी तंजीमें जिनमें फिरका परस्त तंजीम या फिरका परस्त सियासी पार्टियों के एजेंट घुसे हुए हैं जो मुसलमानों के बचे कुछ इत्तेहाद को भी तोड़ने में लगे हुए, या फिर ये कह सकते हैं कि वो तोड़ भी चुके हैं, ऐसे वक्त में बहुत सारे महाजों पर बहस मुबासे हो रहे हैं। लेकिन पैसों के लालच या फिर मुकदमों जेलों का डर इन्हें मुनाफिकत करने पर मजबूर कर रहा है। अब तक जितनी भी कयादतें मुसलमानों को मिली अक्सर लीडरों ने कौम का सौदा ही किया, लिहाजा गुलाम जहनियत बढ़ती गई और आज ये नौबत आ गई कि जुल्म को जुल्म कहने की हिम्मत भी नहीं बची। फिर से मस्जिदों पर कहने की हिम्मत मैं करूंगा। जिन मस्जिदों से तारीखी वाकियात, मंसूबे, दुश्मनों की साजिशों पर आवाम को बेदार करना चाहिए था आज भी नहीं हो रहा। आज भी अक्सर आप अगर बेलगाम शहर का ही ले लो, एक जायजा ले लो, जुमा में आपको कहीं पर भी इनकलाबी तकरीरें या तो बेदार करने वाली तकरीरें नजर नहीं आएंगी। कुछ एकाध मस्जिदों में होता होगा लेकिन मुझे तो कहीं पर भी नजर नहीं आई। मतलब हमने अपना जहन बना लिया है कि हम मर जाएंगे लेकिन एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। इस मुल्क में बड़े बड़े वाक्य पेश आए लेकिन सब्र की तलकीन कर मुसलमानों को खामोशी किया गया। ऐसा नहीं कि सब्र के आड़ में बुजदिली का सबक अब दिया गया, लिहाजा इससे पहले भी कांग्रेस के दौर में यही घुट्टी पिलाई गई थी। और जाहिर है 2014 के बाद तो शिद्दत अख्तियार की, मुसलमानों के कुछ लीडर बहुत जज्बाती तकरीर तो करते हैं लेकिन होता तो कुछ भी नहीं है, उल्टा इसका फायदा फिरका परस्तों को होता नजर आता है। मतलब अब ये कौम नहीं बल्कि भीड़ बन चुकी है, अब तो इसने सड़कों पर उतरना भी छोड़ दिया है। जुल्म और जालिम का फर्क ही इस कौम ने अब मिटा दिया। अफसोस तो सबसे ज्यादा तब होता है कि मस्जिदों से एक लफ्ज हालात पर नहीं बोले जाते। हाल ही में यानी कि हमारे दफ्तर पैगाम इत्तेहाद के दफ्तर को कुमार काले, जो बामसेफ के मुल्की लीडर है, उन्होंने कहा कि दलित भी मजलूम है
पर मुसलमानों की खामोशी पर ताज्जुब है, क्योंकि आपके पास जो मस्जिदों का तसव्वुर है वो किसी और मजहब के पास नहीं है। मुसलमान मस्जिदों में 5 वक्त नमाज, फिर जुमा की नमाज, फिर ईद की नमाज के लिए जुड़ता है तो सिर्फ अल्लाह की इबादत नहीं करता बल्कि एक दूसरे भाई से उसका रब्त भी रहता है, वो मिलता जुलता है और अपने भाइयों के खैर खैरियत भी करता रहता है। इतना बड़ा सोर्स, इतना बड़ा जरिया एक दूसरे को मिलने का किसी और समाज के पास नहीं है, और ये सच भी है। लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और है, एक सप में खड़े तो हो जाते हैं लेकिन कभी एक दूसरे को सलाम तक करना ज़रूरी नहीं समझते। सलाम भी करेंगे तो सिर्फ पहचान वालों को, या तो फिर अमीर और बड़े ओहदे वाले लोगों को हम करेंगे, इस तरह का एक मिजाज बन चुका है। लेकिन दिगर मजहब वालों को क्या मालूम, उनको लगता है कि समाज में तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, पर सच्चाई है कि मुसलमानों से ज़्यादा मुंतशिर जमात या कौम शायद दुनिया में नहीं है। ईरान का ही देख लो क्या हाल है हिजाब को लेकर, किसी मुस्लिम मुल्क में ही इस तरह बगावत होने लगी तो गैर मुस्लिम मुल्कों में तो बहाना तलाशते रहते, लिहाजा उनको हवा देने में और आसानी हो जाती है। आज ईरान ने इराक पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए, सऊदीया का तो हाल सभी देख रहे हैं, नाच गाना यहाँ तक अबू धाबी में बुत परस्ती की भी इजाजत, आखिर क्या पैगाम देती है नाच गाने की महफिलें। अब तो 40% से कम अल्कोहल वाली शराब भी हलाल हो चुकी है, अरब की पाक जमीन पर नाच गाने की महफिलें सजाई जा रही है, और भारत के मुसलमानों का भी हाल कुछ अलग नहीं है। यहाँ तो एक नस्ल बर्बाद हुई तो दूसरी नस्ल बर्बादी के दहाने पर खुद ही आकर खड़ी हो चुकी है। सबने अपने अपने दायरे बना लिए और उस छोटे दायरे को सब कुछ समझ लिया है। कितनी भी बड़ी मुसीबत को कभी हम मुत्तहिद होकर हल नहीं करेंगे, सबको अपनी अपनी जिंदगी की पड़ी है, महज जिंदा लाश की तरह जी रहे। अब घरों को गिराने की मुहिम चलाई जा रही है, शिमोगा में कई मकानात को गिराए गए, एनक्रोचमेंट की वजह बताई जा रही है। अगर वैसे देखा जाए तो मुल्क में अक्सरियत मोहल्ले गैर कानूनी ही तो है, यानी कि गांव या शहर के निचले इलाकों में गरीब जाकर सस्ती जमीन खरीद कर किसी तरह से अपना छत बना लेता है, और खासकर गरीबों के मोहल्लों की तस्वीर सभी जानते हैं। भारत की 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है, लेकिन यहाँ भी अकलियतों के मोहल्लों को निशाना बनाया जाता है। लिफाफे और मिठाइयों के डिब्बे की तहजीब पहले से चलती आ रही है, जाहिर है इन लिफाफों ने मिल्लत के बड़े और बाशऊर तबके को कमजोर करके रखा हुआ है। हो सकता है अल्लाह ना करे, लेकिन जिस दिशा में मुल्क की सियासी तस्वीर बदलती नजर आ रही है, अकलियती मोहल्लों को बुनियादी सहूलतों से भी महरूम किया जा सकता है, जैसे दूसरे मुल्कों में हम देख रहे हैं। अब बहुत कुछ भाजपा संघ हिंदुत्व सोचो फिक्र सरकारी तौर पर पैवस्त होती जा रही है, लिहाजा नई क्यादत को पेश आना होगा। चैलेंजेस बहुत है, काम तो बहुत मुश्किल है, रास्ता कांटों वाला है, स्ट्रैटेजी को बदलना होगा। वही पुरानी मंसूबाबंदी अब काम नहीं आएगी, हालात बदल चुके हैं। जिन बुजुर्गों को यह यकीन था कि कयामत तक कांग्रेस ही रहेगी, अब इन्हें भी एहसास हो चुका है, लेकिन वक्त निकल चुका है, नौजवान मुखलिस बनकर आ गया है। वरना तो अन्ना सावकार ठाकुर सेठ जी की गुलामी में फक्र समझने वालों की कमी शहर में नहीं है, जमीर फरोश फर्जी लीडरों ने गली मोहल्लों में अपना तसल्लुत कायम किया हुआ है, ये भी बचने वाले नहीं है, पर उन्हें एहसास नहीं है मिल्लत के बड़े तबके का नुकसान हो सकता है। ऐसे वक्त में संविधान लोकतंत्र की हिफाजत के लिए ऐसी कयादत को पेश आना होगा जिसमें जुरत बहादुरी और सूझबूझ हो, बदलाव की जरूरत है, वरना यूं ही मुसीबतों की फहरिस्त तवील होती जाएगी और हम हिकमत की आड़ में बेगैरती के सबक यूं ही रटते रहेंगे, जिसका फायदा नहीं दुनिया में होगा और ना ही आखिरत में होगा। आपको इस बात को सुनकर ताज्जुब होगा कि अक्सर दिवाली पाड़वा त्योहार के बाद रस्मी तौर पर जुआ खेलने का इज्तमाई एहतमाम भी किया जाता है और शहर और अतराफ में इसकी महफिलें सजाई जाती है। लिहाजा बेलगाम पुलिस की जानिब से दिवाली के मद्देनजर जुओं के अड्डों पर छापा मारकर 310 से भी ज्यादा जुआरियों को गिरफ्तार किया गया और इसमें 3.5 लाख रुपए भी जब्त किए गए। पुलिस ने अलग अलग 36 जगहों पर छापे मारे और मुकदमे भी दर्ज किए गए। 300 अपराध अब जेर हिरासत में है। वाज रहे कि दिवाली में जुआ भी बड़े पैमाने पर खेला जाता है। जश्न योम रियासत यानी कि कर्नाटक राज्योत्सव बेलगाम में भी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। 1 नवंबर को बेलगाम से 10,000 फीट का परचम लहराया जाएगा, इनकी जुलूस लेकर निकला जाएगा, जिसे लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो सकता है ऐसा कहा जा रहा है। लिहाजा इसकी मुकम्मल तैयारियां हो चुकी हैं। 10,000 फीट का परचम लेकर जुलूस निकाला जाएगा और यह एक तारीखी मंजर होगा। किरण मलन्नावर ने इसमें खास मेहनत की है और पिछले 6 महीने से इसकी तैयारियां कर रहे थे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।